साल 1951 से भाजपा के एजेंडे में रहा समान नागरिक संहिता को आखिरकार मूर्त रूप देने में कामयाब रही। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। कई बैठकों और लोगों के परामर्श लेने के बाद समान नागरिक संहिता का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस इतिहास की उगांतकारी घटना बताया तो अन्य नेताओं ने भी यूसीसी लाने के लिए धामी सरकार की सराहना की। एक ओर जहां यूसीसी की सराहना हो रही है तो वहीं दूसरी ओर कुछ मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने कहा है कि यूसीसी हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाएगा। देश में मुस्लिम संबंध हो और केरल में मुस्लिम संगठनों ने इस कदम के पीछे राजनीतिक पूर्वाग्रह पर सवाल उठाया है। हालांकि जमीयत उलेमा हिंद जो अतीत में यूसीसी के खिलाफ मुखर रहा है अब तक इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने को तैयार नहीं दिख रहा। इस सबसे इतर 700 से अधिक पन्नों का यूसीसी तैयार होकर कानून बनने को तैयार है। आइए जानते हैं कि आखिर इस कानून में क्या है खास। पहले तो आपको यह बता दें कि सामान्य नागरिक संहिता का अर्थ है सबके लिए एक कानून। इसमें विवाह, तलाक, जायदाद पर हक जैसे अन्य कई विषय हैं। उत्तराखंड में जो यूसीसी लाया गया है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल होगी। विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही पति पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और आधार उपलब्ध होंगे। एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी। यानी सरकार बहुविवाह पर रोक लगाने के पक्ष में है। इसके अलावा उत्तराधिकारी में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार होगा। इस दौर में लिव इन रिलेशनशिप चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड में अब लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। इस बिल के अनुसार अगर कोई कानून के खिलाफ विवाह करता है तो उसे 6 महीने की जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा नियमों के खिलाफ तलाक लेने में 3 साल तक का कारावास का प्रावधान है। साथ ही पुरुष और महिला के बीच दूसरा विवाह तभी किया जा सकता है जब दोनों के पार्टनर में से कोई भी जीवित न हो। इस विधेयक में धर्म परिवर्तन पर सख्ती दिखाई गई है। अगर महिला या पुरुष में से कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो इसे तलाक की अर्जी का आधार बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर पुरुष ने किसी महिला के साथ रेप किया हो या विवाह में रहते हुए महिला किसी अन्य से गर्भवती हुई हो तो ऐसे में तलाक के लिए कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। ऐसे अन्य कई अहम विषय हैं जिसे यूसीसी में शामिल किया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी समुदाय के मान्यताओं से छेड़छाड़ नहीं किया गया है। यह एक बात ध्यान देने वाली है कि इस विधेयक से आदिवासी समुदाय को अलग रखा गया है। विधानसभा में पास होते ही यह कानून का रूप ले लेगा, लेकिन आशंका यह जताई जा रही है कि इसके विरुद्ध मुस्लिम समाज विरोध प्रदर्शन कर सकती है।